तुलसीम और टमाटर की सब्जी बनेगी, बहुत ही टेस्टी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाऊंगी मैं आज। और बिल्कुल ही मतलब बोला जाता है ना माउथ वाटरिंग रेसिपी, तो बस वही माउथ वाटरिंग रेसिपी बनके तैयार होगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बॉयल्ड आलू लिया है, और आलू में ना थोड़ा सा हल्दी यहाँ डाल दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लूँगी हींग, और यहाँ देख सकते हैं कसूरी मेथी, मेथी, तेज़पत्ता, पंचफोरन, अमचूर पाउडर, यहाँ पर प्याज और टमाटर है, दो हरी मिर्च मैंने कट कर लिया है, यहाँ थोड़ा सा लहसुन है, सरसों है, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये सीम है, सीम को चॉप कर लिया है, साथ में उस पर मैंने डाला है कश्मीरी मिर्च पाउडर, और बहुत ही अच्छे अच्छे रंगों के साथ। चलिए अब रसोई घर में चलते हैं टेस्टी सी यम्मी यम्मी इसकी सब्जी बनाने के लिए। तो हमारे तरफ बिहार में बहुत ही फेमस है ये सीम की सब्जी, घर घर में बनती है, आप लोग भी बताइएगा। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जी बनेगी सरसों तेल में, और थोड़ा सा मसाला ग्राइंड करेंगे, तो थोड़ा टमाटर, प्याज और इसी में जितने मसाले रखे थे, सरसों, लहसुन, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सारे को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए, मसाला ग्राइंड हो चुका है, और ये सब्जी ना सरसों तेल में फैंटास्टिक बनती है। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पहले पंचफोरन डालेंगे और फिर थोड़ा सा मेथी डालेंगे, तो इस तरीके से ना पहले ये सारे फ़ोरन चटक जाएंगे, तब फिर हम बाद में कसूरी मेथी डालेंगे। तो चलिए, तब तक इन सारे फ़ोरन को देते हैं, थोड़ा चटकने देते हैं, और ना मिर्च का कलर बहुत अच्छा लगता है, जब मिर्च पकने लगती है ना तो बहुत ही अच्छा कलर लगता है। तो बस ऐसे ही ज़रा सा खाना पीना में अच्छा लगता है कलर का होना, और यहाँ पर कसूरी मेथी मैंने दे दिया है, और थोड़ा सा डालूंगी हींग। तो बस जीवन में रंगों का बहुत वैल्यू है जी, मैं हरदम बोलती हूँ। तो चलिए, रंगों और उत्साहों के साथ ही ये सब्जी आज तो बनेगी बहुत यम्मी, और लो जी खुशबू आनी शुरू हो गई। तो बस हींग और कसूरी मेथी पड़ा ना, इतना इसका सुगंध अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पर डाल दिया मैंने सीम, तो सीम थोड़ा आजकल ज़्यादा ही गले में खास सी होती है मुझे, तो सीम डाल दिया, और सीम में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला था, और यहाँ देखिए आलू में थोड़ा सा हल्दी। इस तरीके से आप सब्जी में ना थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के रखेंगे ना, बड़ी बढ़िया बनती है सब्जी, बहुत अच्छा, और मतलब इसका थोड़ा ना टेस्ट भी अलग हो जाता है। एक बार आप ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करें, और बस इसे फटाफट चला देना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ देखिए मसाला है, तो अब इसे डालूँगी मैं, मसाले को कैसे ये प्रोसेस आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया नमक, नमक स्वाद के ना अकॉर्डिंग डालेंगे। कभी कभी क्या करती हूँ ना कि सब्जी निकाल लिया फिर मसाले को भुना, तो आज कुछ भी भाई ऐसा नहीं करना है, मसाले को तो इसी के ऊपर से डाल के भुनना है, वो भी एकदम मस्त तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और यहाँ देखिए हल्का हल्का से ये लगना शुरू हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पर स्पेशली जो है काम वो करना है, और वो है पानी डालना। हल्का सा पानी डालेंगे, फ्लेम कम रखेंगे, और इसको थोड़ा सा स्टर करें, चलाएं, और यहीं से शुरुआत हो जाएगी मसाले को भुनने की। तो चलिए, मसाला हमने यहां पर डाल दिया, और अब इसे मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा पानी के साथ बिल्कुल हाई फ्लेम करके इस मसाले को भुनना है। तो बस ये वाले तरीके को आप अपनाएं, उसके बाद तो प्लेट के प्लेट साफ हो जाएंगे, ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है जिसके आगे सभी सब्जी फेल। और अभी मौसम का तो ये फेवरेट है, कोई बात ही नहीं। तो यहाँ देखिए, बस इसका कलर तो पता चल रहा होगा ना, और ये सब्जी एक बात मैं बता दूँ, बनी थी ना तो प्लेट साफ़ हो गया था, प्लेट के प्लेट, और बचा भी मेरे लिए बहुत कम। और यहाँ एक टमाटर, यहाँ देख सकते हैं ऐसे करके हम इसमें डालेंगे। तो चलिए, इस टमाटर को ना इस स्टेज पर यहाँ एकदम से डालना है, बीच में रख देना है, और बस मसाला देख रहे हैं ना भून रहा है, तो बस पानी में ही मसाला भूनो, और एकदम से खुशबू पूरे मतलब रसोई घर में फैली हुई है। और यहाँ देख सकते हैं एकदम पानी इसका सूख गया है,
और ये देखिए इस तरीके से ना दो बार टमाटर मैंने दिया है, किस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब खाना जो है ना बनाने के तरीके हैं बस अलग अलग तरीके। और यहाँ पर डाल दिया अब मैंने इसमें पानी, और ये टमाटर जब इसमें गलेगी तो बड़ा ही सौंधा सौंधा सा इसका जो खुशबू है, जो टेस्ट है, वो सारा आने लगेगा। और यहीं पर डालूँगी मैं अमचूर पाउडर, ये देखिए ये अमचूर पाउडर है। तो बस आज इस सब्जी में ना कभी कभी मैं दही मिलाती हूँ, बट आज दही नहीं मिलाना है भाई, आज इसी पूरे पूरे टमाटर और अमचूर पाउडर के साथ साथ ये सब्जी बनेगी मस्त सुपर हिट, जिसका स्वाद सही में ज़िंदगी भर आप नहीं भूल पाइएगा। तो इस तरीके से ज़रूर सीम और आलू की सब्जी बनाएँ। और अब चलिए इसको ढक के बनाते हैं। तो बस इसे कुछ देर ढकना है, और यहाँ देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा टमाटर ना गलना शुरू हो गया है। तो बस यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से ना हम लोग ना गांव में जब भी जाते थे ना, तो आलू बैंगन सीम टमाटर मूली की सब्जी हमारी दादी बनाती थी, और माँ भी कभी कभी बनाती थी, मस्त बनती थी। बस यही सीम में इस तरीके से टमाटर डालें और इसके टेस्ट का क्या कहना, मतलब दर्जनों रोटियां अगर घर में किसी को भूख लगी है तो और भूख बढ़ जाएगी और चट कर जाएंगे, मतलब इस तरीके की ये सब्जी बनती है। और मेरे यहाँ ज़्यादा ही कुछ खांसी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बोलने में, चलिए आज किसी तरह, मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, तो फिर भी मैंने ये वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब्जी बनी ही इतनी टेस्टी कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो बोलूँ कि पक्का शेयर करूँगी इसे आज। और यहाँ देखिए सरसों के रस में और अमचूर के रस में साथ में एक साबुत टमाटर के रस में डूबी हुई सीम और आलू की सब्जी, जिसके स्वाद का क्या कहना। तो चलिए बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपी बनके तैयार है, और ये सब्जी अगर एक बार आप खा लिए ना तो बार बार बनाएंगे, और मेरे लिए भी बहुत कम बची क्योंकि सब ने चटकर डाली। अब तो बस वही है जो आप लोगों से मैं कुछ भी शेयर करती हूँ तो जो ओरिजिनलिटी होती है वही बताती हूँ। सही में नहीं बचा, इतना टेस्टी सब्जी बना था कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए आज की अगर ये सीम की सब्जी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ना बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, और इस फैंटास्टिक सब्जी को अपने फ्रेंड्स के बीच में प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सही में अगर कोई भी अगर एक बार बनाएगा तो सही में बार बार बनाएगा। और ये देखिए यम्मी यम्मी सब्जी बनके तैयार है, तो चलिए फिर देर किस बात की, चलिए मिलकर खाते हैं। और ये देखिए पुदीना के पत्ते से इसका डेकोरेशन मस्त लग रहा है ना, तो बस समझ सकते हैं मेरे, मैं तो खुद ही मतलब स्पीचलेस हूँ, इतना मतलब टेस्टी बना था, उतना मैं शब्द में बता भी नहीं सकती आप लोगों को। और आज सही में हस्बैंड भी बोले कि मैं क्या बोलूं, मतलब कि तारीफों के उन्होंने पुल बांध दिए, सही में इतनी बनी थी। और चावल के साथ तो मस्त लग रही थी, रोटी के साथ भी, बट लोगों ने खूब इंजॉय किया, इवन मेरे स्कूल में भी और पीहू के फ्रेंड्स ने भी और घर पे भी लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को सही में बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के ढेर सारे प्यार का जो मुझे कमेंट के थ्रू मिलता है, तो बस आइए और जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपलोड होते के साथ ही देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी मेरे वीडियोस पर रोज़ आते हैं ना उनका तहे दिल से शुक्रिया, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फिर मिलते हैं नई नई रेसिपीज़ के साथ, नई नई उम्मीदों के साथ, नए नए व्लॉग के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर एंजॉयिंग माई वीडियोज़, बाय बाय। हे फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना भूलना नहीं।